आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। बात अगर विकास की करें तो यूं तो चौतरफा विकास हो ही रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस विकास की जो हमारे डुग्गर साम्राज्य की दास्तां कह रही है। बात है मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की। आप देख रहे हैं रंग बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजी ये मुबारक मंडी। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को इल्यूमिनेट करने के लिए 3.32 करोड़ रुपए की धनराशि लगाई गई है। रंग बिरंगी रोशनी से जब रात को ये परिसर जगमग करता है तो जम्मू के पुराने शहर के बीचों बीच ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं लगती। हम आपको बताना चाहेंगे मुबारक मंडी के इस भव्य महल के बारे में। इसकी जो निर्माण शैली है उसमें 3 शैलियों का मिश्रण है, राजस्थानी शैली, मुगल शैली और यूरोपियन शैली के मिश्रण से बनी है ये मुबारक मंडी। ए राजे दी मंडी जो आप इस समय देख रहे हैं, रोशनी से नहाई, रंग बिरंगी रोशनी से नहाई ये मुबारक मंडी अपने आप में जम्मू के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। मुबारक मंडी का जो रेस्टोरेशन वर्क है, मुबारक मंडी को वापस उसके रूप में ढालने का जो प्रयास है, जो किया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा था, इसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था, उसके बाद ही मुबारक मंडी इस रूप में दिख रही है। ये प्रोजेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब रहा है। और जब हम बात करते हैं पिछले वर्ष 15 अगस्त को शुरू हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल की 2023 के पहले 26 जनवरी को मुबारक मंडी परिसर का ये नज़ारा है। पुराने शहर के बीचों बीच इस मुबारक मंडी महल से सूर्यपुत्री तवी का नज़ारा खूब मनभावन लगता है। 1925 तक ये मुख्य शाही दरबार रहा और उसके बाद महाराजा हरि सिंह हरि निवास पैलेस शिफ्ट कर गए। 26 जनवरी के लिए दुल्हन की तरह सजी ये मुबारक मंडी रोशन मुस्तकबिल का संकेत दे रही है।